वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो को टॉपिक बताने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज हमारे ब्लॉगिंग चैनल पर जाएं और हमारा ब्लॉग देखें। जिन्होंने अभी तक ब्लॉग नहीं देखा, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज जाकर देखें। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है 10 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज टू लिव इन इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन से बड़े बड़े शहर हैं जहां पर इतनी महंगाई है कि रहना बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा, महंगाई में बाकी में रहना बहुत मुश्किल है। पहले भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का रिचन लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज टू लिव इन इंडिया। आप सभी भारत के अलग अलग शहरों से हैं। भारत के अलग अलग शहर अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशन को डिनोट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत के सबसे महंगे शहर कौन से हैं? कौन से वो शहर हैं जिनमें रहने के लिए आपको अपनी किडनी बेचनी पड़ सकती है? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जयपुर हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर पूरी दुनिया में यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए फेमस है और यहाँ पर साल भर इंटरनेशनल टूरिस्ट आते ही रहते हैं। जयपुर को पूरी दुनिया में यहाँ के महलों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, भारत के कई महंगे होटल भी यहीं पर मौजूद हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे फंक्शन के लिए जयपुर लोगों की पहली पसंद है। जयपुर में 225 रुपए में एक एवरेज मील खरीदी जा सकती है। और अगर हम बात करें रहने की तो यहाँ पर एवरेज फ्लैट का रेंट लगभग 8,000 से 14,000 के बीच है। 9. चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की शेयर्ड कैपिटल है। इसे इंडिया की सबसे ज्यादा वेल डिजाइंड सिटी माना जाता है। चंडीगढ़ बहुत ज्यादा खूबसूरत शहर है और यहाँ पर बहुत सारी MNC होने के कारण देश भर के लोग यहाँ पर जॉब पर्पस से आते हैं। चंडीगढ़ में एवरेज मील की कीमत लगभग 270 रुपए से ज्यादा है। एक सैटेलाइट सिटी होने के बावजूद चंडीगढ़ में एवरेज फ्लैट की कीमत 12 से 15 हज़ार के बीच है। ये भारत के अन्य शहरों के हिसाब से महंगा नहीं है, लेकिन जब आप चंडीगढ़ आएंगे तब आपको ये कीमत बहुत ज्यादा लगेगी। 8. अहमदाबाद। गुजरात के सबसे बड़े शहरों में से एक माना जाने वाला अहमदाबाद हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर है। दोस्तों, अहमदाबाद ने लगातार पिछले सालों से खुद को इम्प्रूव किया है और यहाँ पर होने वाला डेवलपमेंट साल दर साल देखने लायक है। इस शहर में रहना गुजरात के बाकी शहरों में रहने से बहुत ज्यादा महंगा है। शायद इसीलिए इसे कैपिटल ऑफ द वेस्ट भी कहा जाता है। इस शहर में रहने के लिए रूम रेंट लगभग 10,000 से लेकर 26,000 तक है। असल जिंदगी में ये इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक औसत कीमत बताई गई है। अहमदाबाद में और सारी एडवांस यूटिलिटी भी बहुत ज्यादा महंगी है। एडवांस यूटिलिटी की लिस्ट में हम इंटरनेट से लेकर मूवी टिकट्स तक को शामिल करते हैं। इस शहर में और फैसिलिटीज जैसे कि ट्रांसपोर्ट और क्लॉथ मार्केट्स के दाम भी आसमान छूते हैं। हालांकि एक डेवलपिंग सैटेलाइट सिटी होने के कारण ये बहुत आम बात है। 7. हैदराबाद। हैदराबाद IT इंडस्ट्री का उभरता हुआ चेहरा है। बेंगलोर और पुणे के बाद इसे IT का सबसे बड़ा हब माना जाता है। अपने ट्रेडिशन और बिरयानी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैदराबाद भारत के दूसरे सबसे बड़े शहरों से कम महंगा नहीं है। हैदराबाद को मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स में भी शामिल किया गया था। हैदराबाद में इंटरनेशनल ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, साथ ही यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होने के कारण लोग हैदराबाद की ओर आते हैं। IT इंडस्ट्री के लगातार हैदराबाद में डेवलपमेंट के कारण हैदराबाद जहाँ वर्ल्ड रैंकिंग में आगे बढ़ रहा है, वही महंगा भी होता जा रहा है। 6. पुणे। अगर आंकड़ों को उठाकर देखा जाए तो आप ये पाएंगे कि पुणे साल दर साल रैंकिंग की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। यहाँ मौजूद IT इंडस्ट्री के कारण देश भर के लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। इतना ही नहीं, पुणे में टूरिस्ट स्पॉट्स भी बहुत ज्यादा है, जिस कारण यहाँ पर साल भर इंटरनेशनल टूरिस्ट का जमावड़ा लगा रहता है। दोस्तों, अगर रिव्यूज की बात की जाए तो भारत के अन्य शहरों के मुकाबले पुणे में रहना ज्यादा अच्छा है। पुणे में रहने वाले लोग दिल्ली और मुंबई जैसी मेगा सिटीज में रहने वाले लोगों से ज्यादा खुश हैं। अगर रेंट की बात करें तो पुणे में लगभग 10,000 से लेकर 21,000 एक एवरेज फ्लैट की कीमत है। 5. कोलकाता। कोलकाता 100 साल पहले तक भारत की राजधानी हुआ करता था और आज भी यह भारत की राजधानी से कम महंगा नहीं है। कोलकाता की आबादी लगभग 35 लाख है। इतनी ज्यादा आबादी होने के बावजूद कोलकाता के ट्रांसपोर्टेशन के वेल डिजाइन होने के कारण यहां बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नजर नहीं आती। कोलकाता को जाना जाता है बंगाली कल्चर और डिशेस के कारण। कोलकाता में एक एवरेज मील खाने के लिए आपको 340 रुपए चुकाने पड़ेंगे। यहां पर एक एवरेज फ्लैट की कीमत भी लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच है। कोलकाता में ट्रांसपोर्ट भारत के दूसरे मेगा शहरों की तरह ही काफी महंगा है।
कोलकाता में रोज ही काफी लोग नौकरी या दूसरे कामों के सिलसिले में आते हैं, लेकिन कोलकाता को इस तरह वेल डिजाइन किया गया है कि ये कभी भी भीड़ भाड़ वाला शहर ना लगे। 4. बेंगलुरु। आईटी सेक्टर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर बेंगलुरु हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है। बेंगलुरु भले दिल्ली, मुंबई और चेन्नई से सस्ता हो, लेकिन यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। अगर हम रेंट की बात करें तो बेंगलुरु में एक एवरेज फ्लैट की कीमत लगभग 12 से लेकर 26,000 के बीच है। वहीं खाने की कीमत 200 से लेकर 400 के बीच है। अगर वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की बात की जाए तो बेंगलुरु केप टाउन और लिप्जिंग जैसे शहरों से आगे है। बेंगलुरु की वर्ल्ड वाइड रैंकिंग 166 है। 3. चेन्नई। चेन्नई भारत का 5वां सबसे बड़ा शहर है और महंगाई के हिसाब से ये भारत का 3रा सबसे महंगा शहर है। समुद्र के तट पर बसा चेन्नई अपने सी बीचेस और कल्चर के लिए जाना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम रूम रेंट की बात करें तो चेन्नई में लगभग 12 से लेकर 29,000 रुपए तक एक एवरेज रूम का रेंट है। चेन्नई में दिल्ली और मुंबई के मुकाबले तो कम, लेकिन भारत के अन्य शहरों के मुकाबले बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैफिक रहता है। चेन्नई में कई इंटरनेशनल कंपनियां मौजूद हैं, जिसके कारण नॉर्थ इंडिया के सैटेलाइट शहरों से भी लोग चेन्नई की तरफ खींचे चले आते हैं। इतने सारे लोगों के आने के कारण चेन्नई लगातार महंगी होती जा रही है। 2. दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली को जाना जाता है यहाँ के मॉन्यूमेंट्स और स्ट्रीट फूड के लिए, लेकिन सस्ते स्ट्रीट फूड वाली दिल्ली हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। दिल्ली के आसपास गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद जैसी सैटेलाइट सिटी के ग्रो होने के कारण दिल्ली लगातार महंगी होती जा रही है। दिल्ली में एक एवरेज फ्लैट की कीमत 16 से 32,000 रुपए के बीच है। और वहीं अगर बात करें खाने की, तो दिल्ली में खाने की कीमत लगभग 300 से लेकर 700 तक पड़ती है। खाने की कीमत को प्रतिदिन के हिसाब से नापा गया है। 1. मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन मुंबई में रहने का सपना देखना भी कितना ज्यादा महंगा हो सकता है, ये अंदाजा लगा पाना ही बहुत मुश्किल है। मुंबई में अगर एक एवरेज साइज के रूम की बात की जाए तो उसका रेंट लगभग 20,000 रुपए से भी ज्यादा है, और वो भी ऐसे इलाके में जिसे मुख्य शहर का दर्जा नहीं मिला है। अगर हम मुख्य शहर की बात करें तो वहाँ 30 से 35,000 एक एवरेज रूम का रेंट है। दोस्तों, ये तो हो गई रहने की बात, अब बात करते हैं खाने की। मुंबई में एवरेज खाने की कीमत लगभग 15,000 से लेकर 20,000 के बीच है। मुंबई भीड़ भाड़ वाला शहर है, इसलिए यहाँ ट्रांसपोर्ट भी बहुत महंगा है। अगर आप लोकल ट्रेन की बात करें तो वो तो आम लोगों की पहुंच में है, लेकिन अगर कोई लोकल ट्रेन की भीड़ से बचना चाहे तो सेपरेट व्हीकल काफी महंगा पड़ता है। मुंबई के इतने महंगे होने के बावजूद वहाँ की आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास है, जो कि दिखाता है कि सपने कितने भी महंगे क्यों ना हो, हम इंडियंस उन्हें पाने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे महंगे शहर। अगर आप इनमें से किसी शहर में रहते हैं तो हमें कमेंट करके अपने अनुभव जरूर बताएं, और हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर बड़े शहरों की बात करें तो बड़े शहर जो है किसी भी मुल्क के अगर हो तो वहाँ पे रहना जो है सरवाइव करना आसान नहीं होता। बड़े शहरों में चीजें भी महंगी होती हैं, रिहायश भी महंगी होती है, हर चीज महंगी होती है। वैसे सबसे ज्यादा जो चीज मुझे दुखती है ना, वो है कि रिहायश पे जो आपने इतने पैसे देने पड़ते हैं, मतलब 5,000 देना हो, मतलब मंथली सिर्फ 5,000 सिर्फ आपको रेंट देना है घर का या एक रूम का, फिर उसके बाद आपके बिजली के बिल और पता नहीं कौन कौन से बिल, बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, फिर टेलीफोन भी चलेगा, टेलीफोन ना भी हो उसके बाद मतलब अकेले लोगों का होता है ना, BSNL का अगर लैंडलाइन लगा किसी के पास, इंडिया पे तो जियो इतना सस्ता है, तो किसी घर वही तो कह रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर किसी के घर, लेकिन अगर किसी में भी किसी ने शौक से रखा हो तो वो एक पुराने चले, एक बिल तो है ना कि चले, नेट का भी देना है, तो उसके बाद फिर खाना पीना, फिर उसके बाद कहीं जाना है, ट्रांसपोर्ट, तो काफी ज्यादा चीजें जो है बड़े शहरों में जो है ना आपको कॉस्ट कर जाती है, आपका जो रहने का तरीका वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। लेकिन उसके बाद छोटे छोटे शहरों की या अगर देहातों की बात करें ना, वहाँ पे जो है मुझे लगता है कि रहना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ पे इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी जो है वो बहुत दिक्कतों भरी हो जाती है। चंडीगढ़ के बारे में आप बोल। अच्छा, अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़ की, तो मुझे चंडीगढ़ बिल्कुल भी मेरे जहन में नहीं था कि चंडीगढ़ वो एक्सपेंसिव सिटी। हाँ, वैसे मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं था कि चंडीगढ़ जो है वो एक्सपेंसिव सिटीज की लिस्ट में आएगा, लेकिन आया है कि वो गाना क्यों, दिलाते घर चंडीगढ़। अच्छा, वैसे अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़, ये मुझे पहले से मालूम है कि हरियाणा की और पंजाब की जो है वो कंबाइंड राजधानी है, लेकिन चंडीगढ़ के बारे में मैंने ये भी सुना कि बहुत ज्यादा क्लीन है, बहुत ज्यादा यानी कि उस पे रोड्स बहुत अच्छे बने हुए हैं वहाँ पर। हाँ, उसके अलावा मैंने सुना कि वेल प्लान्ड एक सिटी है। हाँ, लेकिन ये कि जैसे मुझे राजस्थान का इसलिए पता था क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके
देखिए कि एक तो टूरिज्म बहुत ज्यादा है, और फिर उसके अलावा जो यू नो जो महल बने हुए हैं लेक्स में बने हुए हैं, होटल इतने महंगे महंगे, तो मुझे उससे थोड़ा लगा था कि राजस्थान भी जो है वो एक्सपेंसिव सिटी में आएगा, लेकिन जयपुर और फिर इसके अलावा चेन्नई का मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि चेन्नई में इतनी ज्यादा महंगाई होगी। दिल्ली और मुंबई का तो मुझे पक्का पता था ना कि वो तो दोनों लाजमी होंगे, और ये भी मुझे था कि टॉप थ्री में दिल्ली मुंबई होंगे। हाँ अच्छा, वैसे जैसे गुजरात के अहमदाबाद का बताया, अहमदाबाद भी बहुत महंगा है। हम लोगों ने हालांकि अहमदाबाद की इतनी सारी वीडियोस देखी हैं, लेकिन हम लोगों को वैसे नॉर्मल लगा था, पता नहीं अभी। वैसे अगर देखा जाए तो स्ट्रीट फूड की अगर बात की जाए तो दिल्ली भी बड़ा सस्ता लगता है, लेकिन मैं भी हो सकता है कि वो थोड़ी लग्जरियस किस्म की लाइफ की बात कर रही हूँ थोड़ी, यू नो, क्योंकि अगर जितने भी हम लोगों ने मॉडर्न स्ट्रीट फूड की वीडियोस देखी हैं, हम लोगों को कोई भी इतनी महंगी नहीं लगी, ठीक है ना, सारे बहुत ज्यादा हम लोगों को लगा नॉर्मल प्राइस पर, इवन की अगर उनको पाकिस्तानी करेंसी में भी कन्वर्ट कर दिया जाए तो मुझे लगता है फिर भी हम लोग बहुत नॉर्मल लगते हैं वो, क्योंकि आप पेट भर के, एक तो क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है और खाना भी जो उनसा वो आपको सस्ता मिलता है, लेकिन हो सकता है उन्होंने जिस टेक्स्ट पर बात की है वो उन्होंने रिसर्च करके उनको अच्छे तरीके से आइडिया हुआ होगा। वेल, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं और आपको क्या लगता है कि कौन सा सिटी सबसे ज्यादा महंगा है, आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और इसी के साथ अब हमें इजाजत, हमारी वीडियोस करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स, टिल देन गुड बाय।